नमस्कार, मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़। आज अपन बीए सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंतर्गत प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा, प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोत के बारे में अपन पढ़ेंगे। इससे पहले पिछली क्लास के अंतर्गत अपन ने तथ्यों के बारे में पढ़ा और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। मैं सोचता हूँ शायद आपने उनको सोल्व करने का प्रयास किया होगा और मेरे अपने व्हाट्सएप नंबर भी आपको मैंने सेंड किए थे और उस पर आप भेज सकेंगे। आज जो अपन बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा अनुसंधान कार्य को अपना महत्वपूर्ण रोल प्रदान करते हैं। अनुसंधान हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले तथ्यों को अध्ययनकर्ता विभिन्न उपकरणों एवं प्रविधियों की सहायता से संकलित करता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए तथ्यों में विश्वसनीय होने के साथ ही वस्तुनिष्ठता भी आवश्यकता की भी आवश्यक है। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ सामाजिक घटनाओं अथवा तथ्यों के बारे में नवीन जानकारी प्राप्त करना, प्राप्त ज्ञान में वृद्धि करना या जिन सिद्धांतों एवं नियमों का निर्माण किया गया है उनमें किस प्रकार का संशोधन करना है। अतः सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण सामग्री के संकलन में जितनी अधिक सावधानी रखी जाती है निष्कर्ष उतने ही अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। अर्थात सामाजिक अनुसंधान का जो ये चरण है या ये पक्ष है ये एक महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है, क्योंकि आपकी जो अनुसंधान की दिशा और जो अनुसंधान का जो रिजल्ट है वो इन्हीं सामग्री पर निर्भर करता है। यदि ये विश्वसनीय है या सही तरीके से अपन ने कलेक्ट की है तो निश्चित रूप से परिणाम भी उसी प्रकार आएंगे। यदि अपन ने डाटा कलेक्शन करने में किसी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही करी है या किसी प्रकार की गलती हुई है तो रिजल्ट जो है वो उसके अनुरूप नहीं आ पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि तथ्य क्या चीज है, क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। तथ्य संकलन के लिए शोधकर्ता में अवलोकन की चेतना का होना आवश्यक है। अर्थात अवलोकन यानी देखना है, देखना की चेतना का होना आवश्यक है। पेनी निगाह उसकी होनी चाहिए, हर पहलू को वो गहराई के साथ देखे और उसका अध्ययन करे। ऐसा नहीं है कि सुपरफिशियल अपने हवाई स्टडी करके अध्ययन कर लिया हो। तथ्यों के अंतर्गत सूचनादाताओं से विभिन्न प्रविधियों की सहायता से प्राप्त सभी प्रकार की सूचनाएं आती हैं। तथ्यों के अंतर्गत उन बातों या सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अवलोकन के योग्य हो और जिन्हें लिखित रूप में रखा जा सकता हो। तथ्य कौन होंगे? तथ्य वो होंगे जिन्हें हम अवलोकन के योग्य हो और जिन्हें लिखित रूप में अपन रख सकते हो। तथ्य सामाजिक यथार्थ के किसी वर्ग के विषय में नवीन अभिलेख तैयार करते समय अथवा पूर्व में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एकत्रित की गई सामग्री को कहते हैं। इस सामाजिक अनुसंधान में क्षेत्रीय या प्रलेखीय आधार पर जो भी सामग्री एकत्रित करते हैं उसे तथ्य कहा जाता है। तथ्य किसे कहा जाता है? एक सामाजिक अनुसंधान में क्षेत्रीय या प्रलेखीय आधार पर जो भी सामग्री एकत्रित की जाती है वो तथ्य कहलाते हैं। अर्थात जब हम जिस अनुसंधान क्षेत्र में हमें कार्य करना है उससे संबंधित जो भी सूचनाएं उस क्षेत्र से इकट्ठी की जाती हैं वो हमारे तथ्य कहलाते हैं। तथ्य डाटा शब्द से तात्पर्य प्रत्युत्तरों के अभिलेखन प्रोडक्ट ऑफ रेस्पॉन्सेस से है। यद्यपि समाज विज्ञानों के अंतर्गत तथ्य अनेक स्वरूप ग्रहण करते हैं फिर भी इनमें एक सामान्य रचना कॉमन स्ट्रक्चर
के निम्न तीन अंग हो सकते हैं या तीन प्रकार हो सकते हैं। पहला विश्लेषण के तत्व या इकाइयां, या इकाइयां जो कि एनालिसिस के रूप में काम में लेते हैं। विमितियां या चर, उत्तेजकों का समूह। तीसरा अध्ययन किए गए चरों पर इकाइयों के मूल्य या प्रत्युत्तर, रेस्पॉन्सेस। जॉन गॉल्टन ने तथ्य के संकलन से संबंधित निम्न सिद्धांतों का उल्लेख किया है। पहला तुलनात्मकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंपेरेबिलिटी। अध्ययन की जाने वाली सभी इकाइयों को एक ही प्रकार की परिस्थितियों से प्रभावित कराया जाए। दूसरा वर्गीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रत्येक उत्तेजक के लिए संभव प्रत्युत्तरों के समूह एक वर्गीकरण को जन्म देंगे, जिससे तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इकाई द्वारा उत्तेजक के प्रति किया गया प्रत्युत्तर वर्गीकरण योग्य होगा, अर्थात पारस्परिक रूप से पृथक होगा। तीसरी बात पूर्णता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्लीटेशन। प्रत्येक इकाई द्वारा उत्तेजक के प्रति किए गए प्रत्युत्तर का मूल्य ज्ञात किया जाना चाहिए। चौथा विश्वसनीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रा सब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी। एक ही पर्यवेक्षक द्वारा उन्हीं प्रत्युत्तरों का बार बार पर्यवेक्षण किए जाने पर भी एक ही प्रकार के तथ्य उपलब्ध होने चाहिए। अंगतात्मकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर सब्जेक्टिविटी। अंतरंगता का सिद्धांत कह सकते हैं इसको। इसके अनुसार विभिन्न पर्यवेक्षकों द्वारा उन्हीं प्रत्युत्तरों का बार बार पर्यवेक्षण किए जाने पर भी एक से ही प्रकार के आंकड़े प्राप्त होना चाहिए। और लास्ट जो है हमारा प्रामाणिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ वैलिडिटी। आंकड़े इस प्रकार प्राप्त किए जाए कि प्रकट स्तर के आधार पर गुप्त स्तर के विषय में परिणाम निकाले जा सके। अमेरिकी कॉलेज शब्दकोश में तथ्यों को इस रूप में स्पष्ट किया गया है, जो घटना वास्तव में घटित हुई है, जो कुछ घटा है उसे तथ्य का नाम दिया जाता है। सामाजिक विज्ञानों में मूर्त एवं अमूर्त दोनों ही घटनाएं तथ्य के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार तथ्य से तात्पर्य है ऐसी सभी सूचनाएं, सामग्री एवं आंकड़े से हैं जो क्षेत्रीय कार्य एवं द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। तथ्यों के संकलन का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। तथ्य अपनी प्रारंभिक या भौतिक अवस्था में मिले जुले रूप में होते हैं, अतः कारण प्रभाव कॉजेज इफेक्ट जानने एवं निष्कर्षों को प्रमाणित करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तथ्य ही वह मार्ग है जिसकी सहायता से अनुसंधान को एक विशिष्ट स्वरूप प्राप्त हो सकता है। अतः तथ्यों के संकलन का एक महत्व निम्न रूप में समझा जा सकता है। पहला तथ्य संकलन का महत्व। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कुल आठ पक्ष है। पहला अनुसंधान का आधार, कार्य कारण संबंध की खोज, समस्या के निदान में सहायक, यथार्थ का बोध, नियोजन में सहायक, परिवर्तन के अध्ययन में सहायक, प्रशासन में महत्व, तुलनात्मक अध्ययनों में सहायक। अनुसंधान का आधार, बेस ऑफ रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान का वास्तविक प्रारंभ तथ्यों के संकलन से होता है, जिसका वर्गीकरण करने से महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कार्य प्रारंभ करने से लेकर अंत तक प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी रूप में तथ्यों की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और इन्हीं तथ्यों के द्वारा विषय से संबंधित प्रवृत्तियों को ज्ञात किया जाता है। दूसरा
कार्य कारण संबंध की खोज, डिस्कवरी ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट, संकलित तथ्यों के द्वारा ही किसी समस्या या घटना के कारणों और परिणामों को ज्ञात किया जा सकता है। प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, जिसे अनुसंधानकर्ता एकत्रित आंकड़ों की सहायता से ही समझ सकता है। समस्या के निदान में सहायक हेल्पफुल इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, संकलित तथ्यों के आधार पर समस्याओं का समाधान भी निकाला जाता है। उदाहरण के लिए तथ्यों के संकलन से यह ज्ञात हो जाता है कि सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण सही सड़कों का न होना है, तो सरलता से उन तरीकों को ढूंढा जा सकता है जिनके द्वारा इसका समाधान हो सकता है। परसेप्शन ऑफ रियलिटी, यथार्थता का बोध। तथ्यों के संकलन के लिए अनुसंधानकर्ता को अध्ययन समूह या समुदाय के सामान्य जनजीवन में प्रवेश करना पड़ता है, अतएव यह जीवन की साधारण तथा विशेष दशाओं से उनके स्वाभाविक या वास्तविक रूप में परिचित हो जाता है। उसे तथ्य संकलन के दौरान ही समुदाय के जीवन का सही बोध होने लगता है। तुलनात्मक अध्ययनों में सहायक हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, तथ्य संकलन द्वारा विभिन्न घटनाओं तथा अनेक तथ्यों की जानकारी हो जाने पर उनमें परस्पर तुलना भी की जा सकती है। एक ही समय की अनेक परिस्थितियों के अंतर्गत भी विभिन्न तथ्यों की तुलना की जा सकती है, या समय के अनुसार एक ही समूह की दशाओं में भी तुलना करना संभव हो सकता है। प्रशासन में महत्व अनेक तथ्यों की जानकारी जो तथ्य संकलन के दौरान ही प्राप्त होती है, विभिन्न सामाजिक विशेषकर विघटनकारी समस्याओं को दूर करने में सरकारी प्रशासन को सहायक सिद्ध होती है। अधिकांश सरकारी स्तर पर पुलिस, न्यायालयों, जेलों, अस्पतालों, विद्यालयों तथा स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन विभागों द्वारा ये सूचनाएं संकलित की जाती है। परिवर्तन के अध्ययन में सहायक हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ चेंज एक ही क्षेत्र में समय पर विभिन्न क्षेत्रों में आंकड़ों का संकलन करने में से सामयिक परिवर्तनों एवं उनकी प्रकृति का ज्ञान हो जाता है। उदाहरणार्थ अनेक समाजों में परिवार संरचना में भिन्नता तथा विभिन्नता, पीढ़ियों में भारतीय संयुक्त परिवार में परिवर्तन, तथ्यों के संकलन मात्र से ही ज्ञात होने लगते हैं। नियोजन में सहायक एसेंशियल इन प्लानिंग, देश का संपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभिक छानबीन सर्वेक्षणों द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक सूचनाओं पर आधारित होता है। राष्ट्रीय योजना आयोग स्वयं ही किसी भी परियोजनाओं को लागू करने से पूर्व संबंधित समस्या के विषय में अनेक आंकड़ों या सूचनाओं द्वारा जानकारी प्राप्त कर लेने में रुचि रखता है और उनके अनुसार ही विकास कार्यों को रूपरेखा बनाता है। इस प्रकार तथ्य किसी अनुसंधान में सिद्धांत निर्माण तक पहुंचने का आवश्यक मार्ग है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार ये हमारे जो तथ्य हैं वो हमें एक उनका प्रकार हो सकता है, स्वरूप हो सकता है और हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। और सबसे पहले मैं इससे पहले अपन आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपको कुछ इसके डेफिनेशंस वगैरह बता दूं कि इनका डेफिनेशंस किस प्रकार से अपन करते हैं। और सबसे पहले अपना जो पारिभाषिक शब्द संग्रह है भारत सरकार दिल्ली के अनुसार, डाटा का हिंदी अनुवाद आधार सामग्री आंकड़े डाटा और दत्त से है। द कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है कि किसी प्रकार के तथ्य फैक्ट को सामग्री बताया है। इस शब्दकोश में यह भी लिखा है कि स्वीकृत जाने मानी चीजें या मान्यताएं जिससे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं वो तथ्य कहलाते हैं या सामग्री कहलाती है।
कॉलिंस काबुल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी के अनुसार सामान्यतः डाटा तथ्यों फैक्ट अथवा सांख्यिकी के रूप में सूचना है जिसका आप विश्लेषण कर सकते हैं अथवा उसे आगे आकलन के लिए उपयोग भी कर सकते हैं। थियोडोरसन तथा थियोडोरसन ने मॉडर्न डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में सामग्री को परिभाषित निम्न शब्दों में को परिभाषित करने का प्रयास किया है। अवलोकन या मापन के द्वारा एकत्र सूचनाएं जिनके द्वारा सामान्यकरण या निष्कर्ष विकसित करने का प्रयास किया जाता है वो सामग्री कहलाती हैं या हमारा डाटा कहलाते हैं। आपने आगे भी लिखा है कि जब सामग्री बिना स्वरूप तथा संगठन की होती है तो कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल या आप कह सकते हैं कि रॉ डाटा कहलाती है। पीवी यंग ने साइंटिफिक सोशल सर्विसेज एंड रिसर्च में लिखा है कि सामग्री को की परिभाषा देने से पहले कि तथ्य और सामग्री शब्द संभवतः वैज्ञानिक लेखों में सबसे ज्यादा प्रयुक्त हुए हैं तथा ये दोनों तथा ये उन शब्दों में से हैं जिनकी परिभाषा देना सबसे कठिन है। इसके बाद अपने सामग्री की परिभाषा तथा व्याख्या निम्न रूप से की है। सामग्री को ज्ञात उपलब्ध तथ्यों आंकड़ों आदि सूचनाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्होंने आगे भी लिखा है कि परिभाषा अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपने सामग्री की विस्तार से व्याख्या की। आपका कहना है कि सामग्री तथ्यों आंकड़ों से अधिक सूचना घटना या अनुभवों से अधिक जीवन इतिहास को बताने वाली यादों से अधिक होती है। अब नेक्स्ट टाइम जब अपन पढ़ेंगे तो इसका परिभाषाओं में मुख्य रूप से क्या बात कही है तथा तथ्यों के स्वरूप या प्रकार के बारे में अपन देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।